कोटवार संघ पिछले कई सालों से अपनी कुछ मानवीय मांगों को लेकर ज्ञापन, धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करता रहा है। इसी क्रम में पत्रकार भवन भोपाल, शाहजानी पार्क भोपाल सहित दिनांक 1 मार्च 2022 तथा 1 दिसंबर 2022 को प्रदेश के लगभग 10,000 कोटवारों की मौजूदगी में भोपाल के नीलम पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया तथा मुख्यमंत्री निवास के निज सचिव संतोष शर्मा तथा समय समय पर प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा संगठन को आश्वासन दिया गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अति संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं और हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए सोचते हैं। हम उनसे मिलकर आपकी मांगों का निराकरण करवाएंगे और कम से कम प्रदेश के सभी कोटवारों को कलेक्टर रेट पर वेतन बढ़ोतरी की मांग रखेंगे। इसी प्रकार राजस्व मंत्री द्वारा भी सीएम हाउस में कोटवार पंचायत आयोजित करवा कर कोटवारों की सभी मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज दिनांक तक कोटवारों की जायज मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। आज जो धरना दे रहे हैं आपको प्रदेश संगठन के आह्वान पर, ये हमारा 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और हमारी दो जो मांगे हैं मूल रूप से चतुर्श्रेणी कर्मचारी घोषित और भूमिका मालिकाना हक, इसके संबंध में हम लोग बरसों से प्रयास कर रहे हैं। जो संवैधानिक तरीके हैं उनके अनुसार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अनशन आदि कर रहे हैं, किंतु इस बजट से हम लोगों को निराशा लगी है और शासन ने इस बजट में कोटवार के लिए कोई बजट निर्धारित नहीं किया और इस कारण हमको मजबूर होकर ये प्रदर्शन और धरना रखना पड़ रहा है। यदि 17 तारीख तक सरकार हमारी बात सुनती है तो ठीक है, नहीं तो 20 तारीख को हम लोग CM हाउस पर जाकर अपनी बात CM साहब के सामने परिवार सहित रखें। आपका नाम? मेरा नाम हरवीर सिंह यादव है, मैं क्रांति अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश कोटवार से।